बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ किवा में सेवई, जिसके लिए हमें चाहिए एक छोटा पैकेट सेवई, खोया, शक्कर, और ये सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट कर और देसी घी में तल कर रख लिए हैं, और हरी इलायची और दूध। तो आइए हम किवा में सेवई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो हमारी सेवई है इसको देसी घी में भून लेंगे। हमें कढ़ाई लेंगे जिसमें हम देसी घी डालेंगे। और इसमें भी सिवई डाल के सिवई को अच्छी तरह से भून लेंगे। सिवई सिर्फ इतनी ही भूननी है जितना ये घी को सिवई सोख ले, और थोड़ा सा रंग इसका थोड़ा डार्क हो जाए, ज्यादा नहीं सेकना है नहीं तो सिवई हमारी जल जाएगी। ये देखिए, ये हमारी सिवई जो है भून चुकी है। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम एक पैन लेंगे जिसमें हमारा ये खोया है, इसे सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये खोया सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसे प्लेट में निकाल के रख देंगे। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें थोड़ा घी डालेंगे और हरी इलायची डालेंगे। हरी इलायची को मैंने बीच में से ऐसा छील लिया है और फिर डाला है, और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी तकरीबन आधा लीटर के करीब डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें एक ताल की चाशनी बनानी है। और इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा डाल सकते हैं। और एक तार की चाशनी बनने तक हम इसे पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा केसरी फूड कलर ऐड करेंगे जिससे सेवई का कलर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, हमारी अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है, थोड़ी देर से और पकाना पड़ेगा जिससे एक तार की चाशनी बन जाए। ये देखिए, ये हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें थोड़े ज्यादा ही डालिए क्योंकि इसमें ज्यादा ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। आप चाहे ना भी डालें, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देने से अच्छी खुशबू भी आती है। ये देखिए, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें पक गए हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे हमारी सेवई। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम एकदम लो रखना है और इसको अच्छी तरह से चला लेना है। अभी सिवई को इसमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसमें पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए, ये हमारी केवामी सेवई तैयार है।
अभी हम इसमें डालेंगे खोया और गैस बंद कर देंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बनके तैयार है किवामी सिवई। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आइए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए बनकर तैयार है किवामी सिवई और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।